हेलो दोस्तों, तो फाइनली हमें ट्रेन ने बिल्कुल सही टाइम पे उतार दिया है और अभी हम अपने एग्जिट पॉइंट की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि रेलवे स्टेशन पे काफ़ी भीड़ होती है जैसे ट्रेन उतारती है। तो माँ वैष्णो का मेन एग्जिट पॉइंट है, वहाँ पर ही इस रास्ते से हम उतरेंगे और वहाँ पे इस एग्ज़िट पॉइंट पे कुछ चेकिंग हो जाती है, टिकट विकट चेक कर लिया जाता है कई बार। और जैसे ही आप निकलोगे तो वहाँ निकलने के बाद ही आपको काफ़ी गाड़ियाँ और खाने वाने का इंतजाम मिल जाएगा। अगर खाना खाना चाहते हो तो खाना खा लो, उसके बाद अपनी गाड़ी या मतलब 2-2.5 किलोमीटर है यहाँ से, मतलब एग्जिट पॉइंट से मेन बस स्टैंड जहाँ से जर्नी हमारी चालू होती है माँ वैष्णो माता के लिए, क्योंकि रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। फिर वहाँ रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आप अपनी जर्नी चालू कर सकते हो, क्योंकि वो रजिस्ट्रेशन स्लिप आगे जाके आपको दिखानी होगी, तभी आप मेन मतलब जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। तो हम भी अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं, चलो पहले एग्जिट पॉइंट पर मिलते हैं और उसके बाद टिकट लेते हैं, और टिकट लेने के बाद अपना पहुँचते हैं और फिर मैं वीडियो शेयर करता हूँ। तो दोस्तों, यही वो जगह है और यहाँ पे आपकी चेकिंग होती है, टिकट चेक होता है, फिर आप यहाँ से एग्ज़िट कर सकते हो और एग्ज़िट करने के बाद अपना व्हीकल ले सकते हो मेन बस स्टैंड जाने के लिए। जय माता की तो चिल्ला दो, जय माता की जय। तो दोस्तों, देख सकते हो आप, यही वैष्णो माता रेलवे स्टेशन की मेन एंट्री पॉइंट है, जो कि चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ है, मतलब एक बेस्ट व्यू देता है आपको। आप देख सकते हो वीडियो में जैसे कि चारों तरफ काफ़ी स्पेस भी दे रखा है, मतलब कि इतना स्पेस है कि काफ़ी क्राउड इकट्ठा हो जाता है यहाँ पे। और मेन श्री वैष्णो माता देवी कटरा रेलवे स्टेशन, और यहाँ पे आओ तो इस मेन गेट पे भी आप फ़ोटो खिंचाओ, और फिर इसके बगल में ही आपको अपनी गाड़ियाँ मिल सकती हैं जो कि डायरेक्ट रेलवे स्टेशन लेके जाती हैं। और फिर वहाँ से, जैसे मैंने वीडियो में पहले ही बताया था, कि वहाँ पे जाके आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हो आफ्टर रजिस्ट्रेशन। तो दोस्तों, फाइनली हमने भी एक गाड़ी कर ली है, ये फाइनली भैया हमें वैष्णो माता मेन बस स्टैंड पे ले जाएंगे जहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट होती है। अगर आप चाहो तो यहाँ से पैदल भी जा सकते हो, कुछ ज़्यादा दूर नहीं है, 1-1.5 किलोमीटर के अराउंड है डिस्टेंस। तो आप ज़्यादा लोग हो तो अगर पैदल भी जा सकते हो, लेकिन हम अभी थोड़ा लेट हो रहे हैं, धूप भी होने वाली है, तो हम इसलिए हमने गाड़ी कर ली, वरना कई लोग मैंने रास्ते में पैदल जाते हुए देखे हैं, क्योंकि ये गाड़ी से दूसरे रास्ते से ले जा रहे हैं और पैदल जाने के लिए बहुत पास रास्ता है। तो चलो, मैं वीडियो के एंड में टिकट भी शेयर करता हूँ आपको, रजिस्ट्रेशन स्लिप, और रजिस्ट्रेशन स्लिप ध्यान में रखना, और मतलब वो आपको हेल्प करने वाली है ताकि आपकी एंट्री विदाउट एनी इशू हो जाए आराम से। चलो, वैष्णो माता के दर्शन के इस रास्ते में आपसे मिलते रहेंगे। आप इस वीडियो के को देखो और बताओ वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद। तो दोस्तों, यही वो मेन बस स्टैंड है, देख सकते हो आप, यही मेन चौक है, यहाँ पर आपको सारी बस मिल जाएंगी, और यहाँ से वापस जाने के लिए सारी बस मिल जाएंगी। और यहाँ पे जाओ तो आप अपना होटल भी ले सकते हो, और होटल में थोड़ा आराम करके नहा धोकर और फिर दर्शन चालू कर सकते। चलो दोस्तों, फिर अगली वीडियो में मिलते हैं। जय वैष्णो माता की जय।